हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी सबकी अच्छी चल रही होंगी। दोस्तों, आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम दिल्ली सल्तनत को रिवाइज करने वाले हैं। दिल्ली सल्तनत के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको आज के सेशन में रिवाइज करेंगे थ्रू द पास्ट 10 ईयर क्वेश्चन। ठीक है, पिछले 10 साल के जो आपके प्रश्न पूछे गए हैं इस टॉपिक से उनको हम देखने वाले हैं। तो जितने भी लोग अभी क्लास को देख रहे हैं, एक बार आप सब लोग चेक कर लें कि सबका ऑडियो वीडियो पीपीटी सब क्लियर है, तो थम्स अप करके बता दीजिए कि सर क्लियर है। और सेशन को एक बार थोड़ा सा आप शेयर भी कर दो जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। ठीक है जी, चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नेट जेआरएफ अचीव अपना टेलीग्राम चैनल है जहाँ से आप जुड़ सकते हो फॉर द रेगुलर अपडेट्स। इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम सॉरी जेआरएफ ऐप को इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर द यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर प्रिपरेशन, जहाँ डेली क्विजेज, यूट्यूब क्लासेस, काउंसलिंग सेशंस ये सब आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज है जो आपको यहाँ से मिलेगी। 11-11 टेस्ट आपको टेस्ट में मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे, तो इन टेस्ट को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप नोट्स भी ले सकते हैं, पेपर 1 प्लस पेपर 2 दोनों के नोट्स हैं जो आपको मिल जाएंगे गाइस। ठीक है, पेपर 1 प्लस पेपर 2। पेपर 2 की मैं बात करूं तो कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस इन सब के आपको नोट्स मिलेंगे। तो हिस्ट्री के आपको प्रिंटेड नोट्स प्लस ई नोट्स दोनों मिलेंगे, और पेपर 1 की मैं बात करूं तो आपको पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो इन नोट्स को आप ले सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपका लिए एक कंप्लीट कोर्स है जो हम लेकर आए हैं, जिसमें कंप्लीट कोर्स होगा, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा, फ्री टेस्ट सीरीज होगी, डाउट क्लियरिंग सेशन, रिकॉर्डेड और लाइव सेशंस, पीडीएफ नोट्स, ये सब आपको मिलेंगे राजस्थान पेपर 3 में दोस्तों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है तो इसका आंसर कीजिए गाइस सब लोग। सूची 1 है और सूची 2 है। मोहम्मद तुगलक और प्राप्तपत हिंदू अमीर, यानी मोहम्मद तुगलक के टाइम पे कौन कौन से हिंदू अमीर हुआ करते थे, ये आपको बताना है, इनको आपको मैच करना है। तो सब लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। रतन, मीरन राय, किशन बाजारी और पीरा माली, उनके पास कौन कौन से पद थे ये आपको बताना है। दीवाने विजारत, सिविस्तान का गवर्नर, गुलबर्गा का गवर्नर और अवध का इक्तादार। सो आपको ये बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कौन कौन से अमीर थे और उनको क्या क्या पद मिले हुए थे ये आपको बताना है। बताइए हिंदू अमीर कौन कौन से थे, तो आंसर कीजिए सब लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। रतन, मीरन राय, किशन बाजारी और पीरा माली। सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1। ठीक है जी, देखते हैं कौन कौन थे। देखो, जो रतन थे वो सिविस्तान के गवर्नर थे, मीरन राय थे वो गुलबर्गा के गवर्नर थे, और किशन बाजारी थे वो आपके अवध के इक्तादार थे, और पीरा माली थे वो दीवान ए विजारत थे गाइस। तो आंसर क्या होगा आपका 1, 1 विल बी द करेक्ट आंसर। अब देख लेते हैं, देखो यहां पे साइराज जो मंत्री था, वजीर हुआ करता था, धारा दक्षिण का नायब वजीर था, ठीक है, और रतन कौन था, ज्योतिषी था, ठीक है, और मीरन राय है ये सिंध का राजस्व अधिकारी भी था, सेवान का राज्यपाल भी था, और मीरन राय थे गुलबर्गा के राज्य राज्यपाल भी थे, और ठीक है, और पीरा माली थे, ठीक है, उनको दीवाने विजारत का क्या था ऑफिस है वो दिया गया था। तो ये आपकी मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ऑफिसर्स थे प्रशासन में जो महत्वपूर्ण पदों पे थे हिंदू जो लोग थे, तो इसको आपको याद रखना है सब लोगों को। क्लियर, इतनी बात सबको। नाउ द नेक्स्ट, इंग्लिश में भी इसका स्क्रीनशॉट है वो आप सब लिख सकते हैं एवरीवन।
सेकेंड शब्द हैं और उनके अर्थ, बक्काल, बलाहार, सिलहेदार और तुमान, किसानों का निम्नतम वर्ग, एक सशस्त्र व्यक्ति, 10,000 सैनिकों का एक समूह या अनाज व्यापारी। सो बताओ जी करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या है, सब लोग बताइए। तो देखिए वर्ड्स हैं और आपके मीनिंग्स हैं, बक्काल, बलाहार, सिलहादार और तुमान। तो देखिए यहाँ पे बक्काल किसको बोलते थे, अनाज के व्यापारी को बोलते थे ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड, ठीक है। और बलाहार किसको बोलते थे, किसानों का जो लोवेस्ट निम्न वर्ग होता था उसको बलाहार। सिलहेदार किसको बोलते थे, एक सशस्त्र व्यक्ति। और तुमान किसको बोलते थे, 10,000 सैनिकों का एक समूह, उसको हम क्या बोलते थे, तुमान, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है, तो आंसर क्या होगा आपका, फोर। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, आपको ये बताना है कि ये किसके द्वारा बोला गया है, ठीक है, किसके संदर्भ में बोला गया है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के बारे में अफीफ ने लिखा, क्या लिखा कि उसने उसने यानी सुल्तान ने खगोलुग जो की सहायता से ताश घड़ियाल इजाद किया, जो धातु का एक ऐसा प्याला था होता था जिसके पैंदे में अनेक छेद होते थे, जो पानी के टब में डालने पर एक घड़ी या 24 मिनटों में पूरी तरह से भरकर डूब जाता था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मुबारक शाह और सिकंदर लोदी। तो बताइए भाई इसका सही आंसर क्या होगा, ये किस सुल्तान के बारे में बोला गया है आपके। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मुबारक शाह और सिकंदर लोदी। सो गाइस आंसर है आपका टू, फिरोज तुगलक के बारे में ये स्टेटमेंट आपका बोला गया है। किसने बोला है, अफीप। नेक्स्ट मावर्दी द्वारा उल्लेखित इक्ता की श्रेणियां कौन कौन सी हैं इसमें, ठीक है। ये हमने पहले भी किया था, आई होप 3-4 दिन पहले भी क्वेश्चन किया था, तो बताइए। इक्ता ए इतलाक, इक्ता ए तमलीक, इक्ता ए इस्तिगाल और इक्ता ए अतराफ। ये आपका सवाल आया भी था, पीवाईक्यू भी है ये दोस्तों, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। तो बताइए जी इसका सही उत्तर क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर। देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो क्या है आपका, टू, टू विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी और सी, इक्ता ए तमलीक और इक्ता ए इस्तिगाल, ठीक है। तो अलामवर्दी के द्वारा दो प्रकार की इक्ताएं हैं, वो सबसे फेमस थी, इक्ता ए तमलीक, है ना, है ना। इक्ता ए इस्तिगाल, एक था इक्ता ए तमलीक, एक था इक्ता ए इस्तिगाल, ठीक है, ठीक है। तो इनको याद रखना है सब लोगों को, तो दो थी आपकी। ये थी ऐसी दोस्तों जो प्रशासनिक और राजस्व संग्रह से जुड़ी हुई थी, ठीक है। और ये थी जो आपकी धार्मिक या शैक्षणिक कार्यों के लिए थी बेसिकली। तो ये हमने पहले भी बात की थी, पहले भी किया था, लेकिन फिर भी आप इस क्वेश्चन को गलत कर रहे हो बहुत सारे लोग,
आंसर होगा इसका टू विल बी द करेक्ट आंसर गाइस, ठीक है। बी और सी, इक्ता ए तमलीक और इक्ता ए इस्तीगाल दो मावर्दी के द्वारा कैटेगराइज किया गया है। किस दिल्ली सुल्तान ने हिंदू योगियों और मुस्लिम फकीरों के साथ बातें की? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या गियासुद्दीन तुगलक? आंसर क्या है आपका? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। नेक्स्ट, राजकीय पत्र विभाग क्या जाना जाता था सल्तनत काल में? आपके एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कई बार, तो बताओ। दीवाने अर्ज, दीवाने वजारत, दीवाने कजा और दीवाने इंसा, चार पांच क्वेश्चन आएंगे दोस्तों आगे आपके, जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो आपकी शब्दावलियां हैं उनसे संबंधित हैं आने वाले, तो बताइए। सल्तनत काल में राजकीय पत्र विभाग किस नाम से जाना जाता था? दीवाने अर्ज, दीवाने वजारत, दीवाने कजा और दीवाने इंसा। देखो, हम बात करें पत्राचार विभाग की, तो पत्राचार विभाग जाना जाता था दीवाने इंसा, ठीक है, जिसको हम क्रोस्पोंडेंस डिपार्टमेंट बोलते थे। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में मुशरिफ ए मुमालिक जाना जाता था? राजकीय भंडार गृह का नियंत्रक, राजकीय सूचना एजेंसी का प्रमुख, न्याय का प्रमुख और महालेखाकार। मुशरिफ ए मुमालिक, राजकीय भंडार गृह का नियंत्रक, राजकीय सूचना एजेंसी का प्रमुख, राज न्याय का प्रमुख और महालेखाकार। वन टू थ्री एंड फोर, सो गाइज द वेरी करेक्ट आंसर इज फोर, अकाउंटेंट जनरल, महालेखाकार। फोर विल बी द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी दिल्ली सल्तनत के केंद्रीय प्रशासन में विभाग तथा उसका कार्य सुमेलित नहीं है? ये डिपार्टमेंट है आपके एक तरफ और दूसरी तरफ उनका कार्य दिया गया है। दीवान ए इंसा, दीवानी रिसालत, बरीद ए मुबालिक और दीवानी अर्ज। बताओ, सब लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर बताइए। देखिए, इसका जो सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि दीवाने अर्ज क्या है, सैनिक विभाग है, दीवाने अर्ज क्या है, सैनिक विभाग है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, वित्तीय विभाग नहीं है गाइस, ठीक है। ठीक है, दीवाने वजारत जो है वो आपका वित्तीय विभाग है, वजीर वाला डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दीवाने मजलिस क्या देखता था? भू राजस्व, मदद ए माश, नौकरशाही या प्रत्यक्ष भू राजस्व संग्रहण, बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दीवाने मजलिस क्या देखते थे? भू राजस्व देखते थे, मदद ए माश देखते थे, नौकरशाही, प्रत्यक्ष भू राजस्व संग्रहण।
देखो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नौकरशाही, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी। दीवाने मजलिस क्या देखते थे? नौकरशाही को। सूची वन है और सूची सेकेंड है, दीवाने बिजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा और दीवाने रिसालत। एक तरफ आपको डिपार्टमेंट दिए हैं और दूसरी तरफ उनका कार्य दिया है, ठीक है। मुस्लिम विद्वानों के लिए किराया मुक्त भूमि का अनुदान, नागरिक प्रशासन, सैन्य प्रशासन, आधिकारिक पत्राचार का मसौदा तैयार करना, ठीक है। दीवाने विजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा, दीवाने रिसालत। 1, 2, 3 एंड 4। वन टू थ्री एंड फोर। सो गाइज देखिए, इसका जो सही आंसर है, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, दीवाने विजारत, नागरिक प्रशासन, दीवाने अर्ज, सैन्य प्रशासन, दीवाने इंसा, पत्राचार विभाग, ठीक है, दीवाने रिसालत, मुस्लिम विद्वानों के लिए किराया मुक्त भूमि का अनुदान, ठीक है। तो वन, ये पद हैं और ये प्रभारी हैं, अमीर ए कोही, अमीर ए आखुर, बरीद या दबीर, बरीर ओ दबीर, खुफिया अधिकारी, सचिव, कृषि का प्रभारी अधिकारी और घोड़ा का कमान का अधिकारी। 1, 2, 3 एंड 4 बताएं। अमीर ए कोही, अमीर ए आखुर, बरीद दबीर, इंटेलिजेंस ऑफिसर, सेक्रेटरी, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ एग्रीकल्चर, ऑफिसर इन कमांड ऑफ फोर्स। 1, 2, 3 एंड 4। अमीरे को ही, अमीर ए आखुर, बरीद दबीर। तो आंसर है दोस्तों इसका ए का, आपका क्या है, कृषि का प्रभारी अधिकारी, ठीक है, अमीरे को ही, हाँ, दीवानी को ही होता था ना आपका, कृषि डिपार्टमेंट, दीवानी को ही क्या है आपका, कृषि विभाग। अमीर ए आकुर, घोड़ों का कमान का अधिकारी, बरीत, खुफिया अधिकारी, और दबीर आपका क्या है, सचिव। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्यकाल में प्रयुक्त होने वाली राजसी सत्ता के प्रतीकों के संबंध में सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द सिंबल्स ऑफ रॉयल पावर यूज इन द मिडिवल पीरियड? इसका आंसर दीजिए आप, करेक्ट आंसर क्या होगा? छत्र और दूर्वास राजसी सत्ता के प्रतीक थे। राजसी छत्र के रंग और स्वरूप शासक की व्यक्तिगत रुचि के आधार पर निर्मित होते थे। मोहम्मद तुगलक ने अब्बासिद उदाहरण को अपनाया और काले रंग के छत्र का प्रयोग किया। दूर्वास में मछली और अर्धचंद्र के प्रतीक का प्रयोग होता था। इस राजसी सत्ता के प्रतीक, ठीक है, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, तो फोर इसमें पूछा गया है, गलत। द सिंबल ऑफ फिश एंड हाफ मून वॉज यूज इन द दुर्बिश दुर्बाश में, ठीक है। तो देखो, तो दुर्बाश में क्या होता था बेसिकली, कि दो शीर्ष वाला दंड अथवा भाला जो राजस्व का प्रतीक था, ये होता था आपका, ठीक है, आपके अर्धचंद्र, और वो नहीं होते थे गाइस, ठीक है। जो अर्धचंद्र की जब हम बात करते हैं, वो जब सुल्तान का शाही जुलूस निकलता था तब एक साइड दोनों तरफ चलते थे, ठीक है, जो आलम चलते थे उनमें होता था अर्धचंद्र और मछली। जो दुर्भाष होता था
उसमें भाले होते थे आपके, ठीक है, ऐसे ये भाले हुआ करते थे, दो शीर्ष वाला भाला, ऐसे ऐसा कुछ, ठीक है। ठीक है जी, चलें नेक्स्ट। फिरोज शाह तुगलक के निम्नलिखित सैन्य अभियानों को उनके काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा निजी दिए गए कूटों की सहायता से उत्तर का चयन कीजिए। जो फिरोज शाह तुगलक थे उनकी जो मिलिट्री कंपेन्स थे उनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। उड़ीसा का अभियान, बंगाल का अभियान, नगरकोट का अभियान और सिंध का अभियान, बताओ। 1, 2, 3 एंड 4। इसका सही आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर उड़ीसा का अभियान, बंगाल का अभियान, नगरकोट का अभियान और सिंध का अभियान। तो आंसर है इसका 2। देखो, बंगाल का अभियान 1353 से 1359, उड़ीसा जाजनगर का अभियान 1360, नगरकोट का अभियान 1361 और थट्टा सिंध का अभियान 1362, ठीक है। बंगाल का अभियान 1353 और 1369, उड़ीसा जाजनगर का अभियान 1360, नगरकोट का अभियान 1361 और थट्टा का अभियान 1362, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, तो आंसर बी, ठीक है। तो सबसे पहले बंगाल का अभियान हो गया, ठीक है, फिर उड़ीसा का अभियान हो गया आपका, फिर नगरकोट का और फिर आपका सिंध का, ठीक है। सिंध मतलब थट्टा, थट्टा का सबसे लास्ट में था 1362। जकात क्या था? देखो, चार तरह के कर होते थे आपके। जकात, जजिया होता था आपका, जजिया, जकात, खम्स और खरास। जकात, जजिया, खम्स और खरास, तो इनको आपको याद रखना है। 1, 2, 3 एंड 4। वन टू थ्री एंड फोर। सो देखिए, आंसर क्या है? ये केवल मुस्लिमों पर लगाया गया धार्मिक कर था आपका ई। जीतल का सिक्का किससे बनता था? लोहे, तांबे, सोने और चांदी, किससे बनता था और किसने चलाया था ये? लोहे, तांबे, सोने और चांदी। तो भाई ये तांबे का सिक्का होता था, ठीक है, जीतल और टंका। ठीक है, ये तांबे का होता था और ये सिल्वर का होता था, चांदी का, ठीक है, किसके द्वारा? इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए थे। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक शाहदित्य, अबू बकर शाह, खिजर खा या नसरुद्दीन महमूद तुगलक, तो बताओ। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन
वन टू थ्री एंड फोर। वन टू थ्री एंड फोर। सो गाइस द वेरी करेक्ट आंसर इज फोर, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, वली और अमीर के पदों को किसने अलग किया? बलबन, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और गियासुद्दीन तुगलक। वली और अमीर के पदों को किसने अलग किया? बलबन ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या गियासुद्दीन तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने इन पदों को अलग किया। ठीक है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान में से किसने सुल्तान मंगसुद्दीन की पदवी के साथ स्वयं को लखनौती का शासन घोषित किया? अरसलान, लातार खान, बुगरा खान या तुगरिल खान ने? आंसर है आपका फोर, तुगरिल ने। ठीक है, तुगरिल खान ने। ठीक है, नेक्स्ट, तुगरिल खान ने। और तुगरिल खान कौन था? ये बेसिकली बलबन का दास था। ठीक है, जो बाद में लखनौती का क्या बनता है, गवर्नर भी बनता है गाइस। ठीक है, उसने ही सुल्तान मुकसुद्दीन की उपाधि धारण की थी। एक्चुअली में इसको अभियान पे भेजा गया था और फिर इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ठीक है, तो और यह एक चीज और याद रखना दोस्तों, ये किसी दास का पहला विद्रोह था अपने सुल्तान के लिए, तो किसी सुल्तान के दास का प्रथम विद्रोह था ये, तुगरिल खाल का विद्रोह। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शेख निजामुद्दीन औलिया को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी यदि व्यक्तिगत रूप से सम्मान व्यक्त करने में विफल होते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, मुबारक शाह खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने या गियासुद्दीन तुगलक ने? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या गियासुद्दीन तुगलक। वन टू थ्री फोर। सो गाइस द वेरी करेक्ट आंसर इज फोर, गियासुद्दीन तुगलक इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विरोधों को न्यायसंगत बताता है? अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी, इसामी या इब्न बतूता? जल्दी से बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, फटाफट से सब लोग।
तो आंसर है इसामी, ठीक है, इसामी, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आदेश जारी किया था कि उसके शासनकाल में सभी विदेशियों को ईजा के रूप में संबोधित किया जाए? गियासुद्दीन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, या फिरोज शाह तुगलक ने? निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने आदेश जारी किया था कि उसके शासन में सभी विदेशियों को ईजा के रूप में संबोधित किया जाए? इसका जो सही आंसर है वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में लोग अपनी पुत्री का विवाह राजस्व लिपिकों से नहीं करते थे? बलबन, केकुबाद, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? किसके शासनकाल में लोग अपनी पुत्री का विवाह राजस्व लिपिकों से नहीं करते थे? बलबन के, केकुबाद, अलाउद्दीन खिलजी या सिकंदर लोदी? 1, 2, 3 एंड 4। सो देखिए आंसर है आपका 3, ठीक है, 3 विल बी द करेक्ट आंसर, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों बहुत सारे नियम निकाले थे, ठीक है, उसने बहुत सारी घोषणाएं की थी, और वो लिपिक सुल्तान ने 10,000 लिपिकों और राजस्व एकत्र करने वाले कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए उत्तरदायी ठहराया था। मतलब एक लिस्ट उसने बनाई थी 10,000 लिपिकों की, जो कि किसमें लिपित थे, करप्शन में लिपित थे, इसलिए उसने बैन कर दिया था कि भाई लिपिकों से कोई भी शादी नहीं करेगा अपनी पुत्री की, ठीक है। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण से सफर कौन सा सुल्तान हुआ? सर्वाधिक मंगोल आक्रमणों को किस सुल्तान ने सामना किया? तो वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी गाइस, ठीक है ना? और पहला जो आक्रमण हुआ था, मंगोल आक्रमण, वो कादर खान का हुआ था 1296, ठीक है, जिस साल वो गद्दी पे बैठता है उसी साल मंगोल आक्रमण होता है कादर खान का, ठीक है। तो ये आप सबको पता है, इल्तुतमिश, ठीक है, तांबे और जितल, ठीक है, ये अभी हमने करके लिया है दोस्तों। कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी या शेरशाह? कृषकों के कल्याण के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी और शेरशाह? सो गाइस आंसर है आपका डी, ठीक है जी, शेरशाह, सॉरी, ठीक है, किसने की ये व्यवस्था, कबूलियत और पट्टा, शेरशाह सूरी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित है, मतलब इसमें से सही मैच बताना है? इबन बतूता, किताबुल रहला, जियाउद्दीन बदनी, तबकाते नासिरी, अबुल फजल, मुंतखब उल तवारिक एंड दारा शिकोह, शाहजहांनामा? इसमें से सही आपको बताना है। तो गाइस सही तो आपका एक ही पता है ना,
किताबुल रेला, मिन्हाज उस सिराज ने तबकाते नासिरी लिखी, बदायूनी ने क्या लिखी, मुंत खाब उल तवारिक, और इनायत खान ने शाहजहानामा लिखा था। तो आंसर क्या है आपका, सिर्फ एक, ए वाला सही है आपका। किस लेखक ने पुलकेशिन सेकिन और खुसरो सेकिन के बीच संबंधों की जानकारी दी, अलबरूनी, तबरी, तारानाथ और उपयुक्त में से कोई नहीं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ए बी सी एंड डी। तो गाइस आंसर है आपका बी, ठीक है, तबरी। ठीक है, पुलकेशिन सेकिन और खुसरो सेकिन के बीच के संबंधों की जानकारी किसने दी, तबरी के द्वारा दी गई थी गाइस। ठीक है, तो इसको आपको याद रख लेना गाइस। ठीक है, और किसके अंदर हमें ये जानकारी मिलती है, अल रसूल वल मुलुक, अल रसूल वल मुलुक नामक जो ग्रंथ है उसमें ये जानकारी मिलती है। सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे, है ना, आप इसको याद रखना, बाकी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। ठीक है जी, और आज के लिए आपका इतना ही है, काफी क्वेश्चन और भी बच गए हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, है ना, आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन थे जो आज हमने किए थे दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड, नेक्स्ट सेशन में थोड़ा हाई लेवल करेंगे जो आपके एग्जाम का जो पैटर्न है उसके हिसाब से, आज बेसिक चीज़ें हमने की हैं गाइस। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन अभी थोड़ा सा आपके एनालिटिकल चीज़ें हैं वो भी हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए इतना ही है।